दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करें तो इस वक्त की बड़ी अपडेट्स वो है महात्मा गांधी चयन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। तो आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से महात्मा गांधी चयन परीक्षा में अगर सिलेक्शन हुआ है यानी चेक कर सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। स्टाफ लॉगिन के अंदर जाके रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन में जाके अपना जो भी रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं, पूरा चेक कर सकते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी चयन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और रिजल्ट टैब के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना रहा है, कितने प्रतिशत या कितने नंबर आए हैं, और नंबर भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कर्मचारियों से जुड़े हुए कई ऑर्डर्स व महत्वपूर्ण जानकारियों की। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया है, वो है नवसर्जित जिलों में मंत्रालय कार्मिक लगाने को लेकर। तो राज्य सरकार की अधिसूचना 16 अगस्त को जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 5-8 द्वारा नवीन जिलों का पुनर्गठन व गठन किया गया है और समस्त नवीन जिले दिनांक 7 अगस्त से प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में विभाग की आज्ञा दिनांक 5-8-2023 द्वारा नवसर्जित जिला कलेक्टर कार्यालय में मंत्रालय समय के कार्मिक, जिसमें खंड सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी के पद सर्जित किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में ये समस्त पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत संभागीय आयुक्त विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय कार्मिकों का अस्थायी रूप से स्थानांतरण उसी संभाग के एक जिले से दूसरे जिले में करने के लिए सक्षम है। अतः संबंधित संभागीय आयुक्त अपने संभाग के नवसर्जित जिलों में स्वीकृत मंत्रालय कार्मिकों के पदों पर उसी संभाग के अन्य जिलों से कार्मिकों को 6 माह के लिए अस्थायी रूप से तत्काल पदस्थापित कर इस विभाग को अवगत कराएं। यानी कि इस मंत्रालय कार्मिक जो नवीन जिले बने उनको स्थानांतरित किया जाएगा 6 माह के लिए अस्थायी रूप से, और ताकि नवसर्जित जिलों में जो भी कार्य है, संचालन का राजकार्य है, वो निष्पादन हो सके। स्थानांतरण पर प्रभावी प्रतिबंध के संबंध में भी सक्षम स्तर से शिथिलन प्राप्त कर लिया गया है। यानी फिलहाल अभी स्थानांतरण पर रोक है, लेकिन ये जो ऑर्डर है इसमें आगे से स्वीकृति भी ले रखी है तो शिथिलन है। ऐसे में पुनर्गठित जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थापित अनुभवी कार्मिक नवसर्जित जिला कलेक्टर कार्यालय में लगाए गए नए कार्मिकों को मार्गदर्शन प्रशिक्षण दिए जाने हेतु भी निर्देशित करावें। तो जितने भी मंत्रालय कार्मिक हैं उनका स्थानांतरण नवसर्जित जो जिले हैं उनमें किया जा सकता है, जिसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह शामिल है। इसके साथ ही महात्मा गांधी का परिणाम जारी हो चुका है। और बात करें तो एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वह है शिक्षकों के अवार्ड को लेकर। जैसा कि आपको बताएं नवीन जिले बन चुके हैं उसी को लेकर ये इसमें संशोधन प्रक्रिया रखी गई है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए नवीन जिलों के गठन के उपरांत शिक्षक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में जो भी है वो संशोधन रहेगा और इस प्रकार से शिक्षकों का चयन होगा। तो नवीन अधिसूचना के अनुसार 17 नए जिले गठित हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति में राज्य में 50 जिले विद्यमान हैं। नवीन जिले की स्थिति के अनुसार 33 के स्थान पर 50 जिलों में राज्य स्तरीय और साथ ही प्रत्येक जिले से 3 शिक्षक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित होने के प्रावधान के अनुसार 99 के स्थान पर 150 शिक्षकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना होगा। जिलों के गठन की नवीन स्थिति के कारण ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की वर्तमान कार्य योजना भी निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है। ऐसे में शिक्षकों से आवेदन ऑनलाइन भरवाए गए हैं। आवेदनों का परीक्षण, आकलन CBO कार्यालय, CDO कार्यालय, निदेशालय स्तर पर किया जाना है। आवेदन पत्रों के परीक्षण, अग्रेषण और चयन का कार्य निम्न प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तो शिक्षकों के आवेदन विद्यालय द्वारा CBO को अग्रेषण तक की कार्रवाई ऑनलाइन की जाए। CBO कार्यालय से CDO कार्यालय, नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक कार्यालय, निदेशालय को आवेदनों का अग्रेषण ऑफलाइन किया जाए। CBO कार्यालय से नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को आवेदन अग्रेषित किए जाने से पूर्व संबंधित शिक्षक की विभागीय जांच विचाराधीन होने, लंबित होने की स्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित संभागीय उप निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर ही प्रस्तुत करें। उसके साथ ही CBO कार्यालय द्वारा CDO व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय को अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की प्रत्यावली की एक प्रति, पत्रावली की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय में भी रखी जाए। साथ ही CDO कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय जो भी लागू द्वारा निदेशालय को अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की प्रत्यावली की एक प्रति, पत्रावली की एक प्रति CDO कार्यालय, जिला शिक्षा मुख्यालय, माध्यमिक में भी रखी जाए। साथ ही राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाने वाले चयनित शिक्षकों को छोड़कर शेष आवेदन पत्रों के आधार पर जिला स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने के लिए चयनित शिक्षकों को छोड़कर शेष आवेदन पत्रों के आधार पर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, किंतु कुछ ऐसे ब्लॉक भी हैं जिनमें से कुछ हिस्सा एक जिले में व कुछ हिस्सा अन्य जिले में भी सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में ब्लॉक स्तर पर प्रावधान के अनुसार चुने जाने वाले शिक्षकों का आवेदन पत्र उनके विद्यालय की स्थिति के अनुसार संबंधित जिले के CDO नवगठित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएंगे।
इसके साथ ही बात करें तो बिंदु संख्या दो के अनुसार संबंधित जिले के CDO जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दर प्रावधान अनुसार चुने गए शेष शिक्षकों के आवेदन पत्र निदेशालय को आकर्षित किए जाए। नवगठित जिलों में अब तक CDO कार्यालय का गठन नहीं किया गया है, किंतु उनमें शिक्षा विभाग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक व प्रारंभिक कार्यालय स्थापना की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ऐसे में जिला स्तर पर शेष शिक्षकों के चयन व राज्य स्तर के लिए नाम प्रस्तावित करने के लिए इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए एक चयन समिति भी गठित की जाएगी, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अध्यक्ष रहेंगे। नवगठित जिले के ही दो उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सदस्य रहेंगे और संबंधित नवगठित जिले में ही राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक इसके सदस्य रहेंगे। साथ ही जिला नोडल अधिकारी कार्यालय का सहायक निदेशक ACBO स्तर का अधिकारी जो है सदस्य सचिव रहेगा और शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो इस प्रकार से इनका चयन किया जाएगा जो भी शिक्षक सम्मान के लिए चयन होंगे, क्योंकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी चेंज यूं है क्योंकि जिले 33 के स्थान पर 50 हो चुके हैं। अब प्रत्येक जिले से 3 शिक्षक राज्य स्तर के लिए जाते हैं, तो उसके स्थान पर भी 99 जो थे उसके स्थान पर 150 शिक्षकों का चयन होगा। इसके साथ ही बात करें तो एक और ऑर्डर जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए संविदा कार्मिकों के प्राण नंबर NPS कटौती के संबंध में है, तो वो भी देख लेते हैं। नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के प्राण नंबर NPS कटौती को लेकर मार्गदर्शन दिया गया है कि नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के प्राण नंबर NPS कटौती के समय वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की पत्रावली में यह स्पष्ट किया जाता है। नंबर फर्स्ट बिंदु है, मार्गदर्शन का बिंदु है कि संविदा कार्मिक के NPS अंशदान कटौती उनके मानदेय से की जाकर कटौती किस प्रकार की जानी है, चालान से अथवा अन्य किसी माध्यम से। तो वित्त विभाग की टिप्पणी इस प्रकार है कि नियमों के नियम 13(2)(3) के प्रावधान अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा NPS खाता बैंक में खुलवाया जाएगा और NPS में स्वयं ही एवं राज्य सरकार द्वारा अंशदान जमा करवाया जाएगा। कर्मचारी द्वारा NPS खाते में जमा की गई राशि की 50% राशि जो कि कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक की 10% तक कार्मिक को NPS खाते में राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण भी की जाएगी। उसके साथ ही NPS के हेतु क्या संविदा कार्मिक का प्राण नंबर जारी किया जाने की आवश्यकता होगी, तो उपरोक्त अनुसार संविदा कार्मिक द्वारा बैंक में NPS खाता स्वयं खुलवाया जाएगा और प्राण नंबर स्वयं प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार से प्रकरण में उपयुक्त अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये संयुक्त शासन सचिव ने मार्गदर्शन दिया है कि संविदा कार्मिक किस प्रकार से प्राण नंबर और उनके NPS कटौती की जाए। उसके साथ ही बात करेंगे एक और ऑर्डर की, और वो है स्कूलों से संबंधित। शिक्षा विभाग का ही ऑर्डर है समस्त संस्था प्रधानों के लिए कि 26 अगस्त को यानी 26/8/2023 को सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम के दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित करना है। 11/8/2023 को संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों से लगभग 1200 अधिकारी मास्टर ट्रेनर को उक्त कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम को संपूर्ण राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में जो है संपादित करना है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे प्रथम है कि यह कार्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक है, इसलिए समस्त संस्था प्रधान स्वयं सीधे नोडल अधिकारी ही होंगे और वे समस्त कार्यक्रम की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। शाला दर्पण पर भी इसकी प्रविष्टि करेंगे। यह कार्यक्रम 26/8 को सभी राजकीय विद्यालय में जहाँ नर्सरी से कक्षा 8 तक कोई भी कक्षा पढ़ाई जाती है प्रातः 8 से 12 बजे के मध्य आयोजित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो है अनुसार तय करना है कि उस विद्यालय में कितने सेशन आयोजित किए जाने हैं। जैसा प्रशिक्षण के दौरान बताया गया था, प्रत्येक कार्यक्रम में बच्चों की संख्या समुचित हो, अर्थात एक साथ बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी न बैठाएं। 150 से 200 तक एक समुचित संख्या है और यदि विद्यालय में कक्ष छोटे हैं तो सबसे बड़े कक्ष का उपयोग करते हुए सेशन आयोजित करें। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में 100 से कम विद्यार्थी है तो एक स्थान पर सबको बैठाकर एक सेशन कर दें। यदि विद्यालय में कक्ष बड़े हैं और विद्यार्थी भी अधिक है तो आवश्यकता अनुसार 4 से 5 सेशन भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित अध्यापक सरलता से 3 सेशन समय सीमा में कर सकते हैं, परंतु जिन विद्यालयों में 3 से अधिक सेशन करने की आवश्यकता पैदा होती है तो वहाँ 1 से अधिक अध्यापक जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रशिक्षित किए जाएं और विद्यालय स्तर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री फ्लैक्सी सीट के सेट भी उसी अनुपात में अधिक तैयार कराए जाएँ। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में 750 बच्चों को प्रशिक्षण देना है और वहाँ एक कमरे में अधिकतम 150 बच्चे ही बैठ सकते हैं तो एक में 100 बच्चे बैठ सकते हैं और ऐसी स्थिति में 6 सेक्शन यानी 150x3 450 और 100x3 यानी 300 आयोजित करें और दोनों अध्यापक 2 सामग्री के सेट साथ साथ अलग अलग कक्षों में आपस में कक्षाओं का बंटवारा करके प्रशिक्षण प्रदान करें। किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 750 बच्चों को मैदान में बैठाकर एक साथ ही प्रशिक्षण की खाना पूर्ति कर दी जाए। इसके साथ ही प्रशिक्षण का कार्य तथा फ्लैक्सी सीट का स्कूल में उपलब्ध होना दिनांक 24/8 को ही स्कूल समाप्ति से पूर्व सुनिश्चित कर लें, यानी 24/8 को आपको कोई फ्लैक्सी सीट है निर्देश निर्देशिका जब मिल जाएंगे। जिलों में फ्लैक्सी सीट की कॉपी दे दी गई है और इसके साथ ही अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 24/8 को शाम 6 से 7 बजे के जो मासिक वेबिनार भी होगा जिसमें आप की बात
बात आपकी हमारी में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जाएगी। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रशिक्षित अध्यापक संस्था प्रधान यूट्यूब के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आशा है आप इसे राजस्थान का ही नहीं भारत का सफलतम कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसी आशा है। नवीन जैन का ये निर्देश है शिक्षा सचिव का। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी आप सभी के लिए, कर्मचारियों से जुड़ी हुई, शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई। धन्यवाद।